तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मैं कॉलेज से हूँ और जा रहा हूँ अपने कॉलेज एडमिशन। बारिश हो रहा है इस कारण हम लोग रुके हुए हैं। और काफ़ी दोस्तों से मैंने फिर बोल दिया कि गाइस मैं आ रहा हूँ भाई, बट मैं कहा नहीं जा पाऊँगी। पापा गुस्सा हो रहे, पापा कह रहे हैं कि बारिश हो रहा है ना मच्छर, तो मेरा घर पर मन लगता नहीं, हम लोग का मन लोग वेगा नहीं करते। तो अभी जैसे मैं रेडी हो रखा हूँ, अभी जाता हूँ कॉलेज जाने का सोच रहा हूँ, बट बारिश रुके खत्म। लेकिन अपने घर का माहौल दिखाता हूँ कैसा है। तो गाइस अभी ये स्टेटस मेरे बाहर का, इस साइड देख लीजिए पूरा पानी लगा हुआ है पूरा चारों साइड। ये आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा गड्ढा होगा, पर बहुत गहरा है ये। मत समझिए कि छोटा है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरे हाइट का होगा ये, छोटा मेरे हाइट से थोड़ा कम होगा। एंड इस साइड का भी वही माहौल है, ये भी मेरे हाइट से थोड़ा ही कम होगा। तो मतलब मान लीजिए 5 फीट का होगा, 5 फुट देखो 5 फुट का गड्ढा है, पूरा पानी भर गया एक रात में खाली। तो पता नहीं अभी बाहर का क्या माहौल होगा। हम तो ज़बरदस्ती जाना चाहते हैं क्योंकि घूमने में बड़ा मज़ा आता है अभी बारिश के मौसम में थोड़ा है। और थोड़ा सोचा ब्लॉगिंग बनाऊंगा, दिखाऊंगा स्टेटस कैसा है हमारा बाहर का मुजफ्फरपुर बारिश टाइम में। तो दिखाते हैं आपको बाद का। तो गाइस हम निकल गए हैं कॉलेज के लिए और देखते हैं क्या नज़ारा है। फिलहाल पानी तो नहीं होगा, तो थोड़ा पानी इस साइड है, थोड़ा पानी इस साइड, पर इस साइड कम पानी है। तो फटाफट निकलते हैं वरना यहाँ पूरा भरा रहता है, गाड़ी डूब जाता है आधा। अब निकलते हैं कॉलेज के लिए फटाफट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर का हाल कितना अच्छा है, पानी पानी है पूरा, लग रहा है डूब गए हैं आज। ओ माय गॉड, मेरा पूरा पैर भीग गया। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, उस सुनामी का लहर आता है ना वैसा लग रहा है। लिटरली गाइस शायद आज नहीं जाना चाहिए था कॉलेज, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ भड़ाता है, सर भी भड़ाकर काफ़ी ज़्यादा ही पानी है। तो गाइस ये है अभी यहाँ का नेचर, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। घास घास है, पानी सामने से आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं, ठंडा भी लग रहा है, पूरा भीग चुके हैं हम जा रहे हैं कॉलेज जाके थोड़ा फ्रेश होंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का पूरा हरा हरा घास, कितना मस्त अच्छा नज़ारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए हैं पता नहीं, बट लग नहीं रहा कि मुजफ्फरपुर में यहाँ पे आकर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब जाते हैं कॉलेज फटाफट। एकदम आ गए हैं यहाँ चाची हैं, और ये चाची हाल का हाल, जा रहे अमन को लाने वहाँ से, पूरा भीग जाएगा इससे। मेरे शिवम भाई अभी जा रहे हैं, अरे ध्रुव भाई आया गाइस, देख सकते हैं रेनकोट पहन कर आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा पूरा गाइस मेरे को दिखाई था ये। और ये देखिए अमंत भाई भी पूरा भीग चुके हैं, और ये ध्रुव भाई पूरा रेनकोट ऊपर पहने हुए, पैंट नीचे पूरा भीजा हुआ है, ये देख लीजिए। सबका वही हाल है, जा रहे गाइस अभी अमन को लेने, चलिए अमन को लेके आते हैं। यहाँ से बुला के आ रहे हैं, अमनवा वहाँ पर है। अरे गिरता में गाइस, अमन भाई को चाय पिला देना, चाय पिला देना एगो, अरे मजा बहुत आ रहा है लिटरली। हम भाई हमको बैठने दो, हमको बैठने दो, चलिए जा रहे हैं उस पार से, वो टापू जा रहे हैं गाइस, बीच में समुंदर है तय करके। अभी कॉलेज का क्या सीन है पता नहीं, कॉलेज का क्या सीन है देखा है, कॉलेज में भी सुनने में आ रहा है कि बाढ़ है, चल रहा है कि कॉलेज में आज क्लास मर्ज करवा देगा। कोई बात नहीं गाइस, उस टापू से उस टापू हम लोग जा रहे हैं पानी में बाढ़ में। तो जा रहे हैं चाय वाय पियेंगे थोड़ा, क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा है, तब जाते हैं कॉलेज का अंदर का नज़ारा दिखाएंगे आपको। तो गाइस जैसे कि हम लोग निकल गए हैं, दिखा रहे हैं अंदर का नज़ारा आपको। यहाँ ध्रुव भाई आ रहे हैं, यहाँ से कॉलेज का एंट्री ले रहे हैं हम लोग। ये कॉलेज में ऐसे ज़्यादा पब्लिक आज आई नहीं होगी, ये हमारा कॉलेज का नज़ारा है। ज़्यादा तो पानी नहीं है, पर ज़्यादा पानी तो नहीं है, बट पता नहीं तब भी ठीक है। बस लगती था कि कॉलेज को आया भी है, थोड़े मोड़े बंदे सब आए हैं आराम से, छपाक छपाक पूरा वो आराम से बिना फालतू का जा रहे हैं। जा रहा कहाँ है पानी रहा बंदा, बोला कॉलेज डूब गया है, घंटा ना कॉलेज डूबा है। तो गाइस कॉलेज में कुछ डूबा हुआ तो नहीं है, अरे पूरा पानी उड़ाते हुए गया है वो पागल है। तो अब गाड़ी लगाइए ना, गाड़ी लगा के उड़ा दे, क्या वैसे ही उड़ा दे हम भी, क्या क्लास व्लास अपना कर लिया है, जा रहे हैं भागते हुए। और चाचियाँ ही बैठेंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रहा है, चार क्लासों को मर्ज कर दिया था, तो अभी लोग जा रहे हैं चाचियाँ, चाचियाँ ही बैठे रहेंगे, टाइम हो जाएगा सब घर निकलेंगे। तो गाइस सब अभी जा रहा है घर, सब भाग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ध्रुव भाई रेनकोट पहन लिया है, सब अभी निकलने के लिए जा रहे हैं। तो अभी निकलते हैं लोग चाचियाँ, सर जो सर तो गाइस आपने कोई मिल गया का जादू देखा है नहीं देखा है, दिए ना जादू जादू और
भाई को बात कर। बना कि नहीं बना? बनता। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सब स्विमिंग पूल, ये रहे किस वजह भीग गए हैं, तो रोहित भाई ये रहे, सब लोग जा रहे हैं हम लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं घूमने फिरने, भाई नहाएंगे स्विमिंग पूल में, पूरा भीग गए हैं स्विमिंग पूल में बैठ के नहाएंगे, तो सब जा रहे हैं, चलिए चलिए आ रहे हैं। काहे नहीं आ रहे हो लोग? पूछिए। आ रहे हैं सब, आ रहा है, चलेंगे स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में नहाया जाएगा बड़े अच्छे से। हाय गाइस, बारिश में भीग गए। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं विहार क्लब, यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं ये शाहिद भाई हमको लाए वहाँ पे, और अभी शिवम भाई छूट गए पीछे ही, पता नहीं कहाँ चल जाते हैं, तो अभी वो लोग आएंगे। गाइस ठंडा काफी ज्यादा लग रहा है हम लोग। सो गाइस काफी बीच में मजे करते हैं, काफी पानी वानी उड़ाते हुए आए हैं, बहुत मस्ती मजा आया, मजा आया। बैग वैग सबका बिगाड़, पूरा कॉलेज भीग गया लग रहा है, कल पक्का बीमार हुए, तो मम्मी पक्का क्या बोले क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं सकते कि ये भी ध्रुव भाई के भी पापा, सबके पापा बोले, तो साला अमनवा रहता है यहाँ पे अकेला, अरे भाई तो हमको कुछ देखने वाला भी नहीं ना, एक क्लास का गार्जियन को हम लोग धोखा दे रहे हैं। हाँ ध्रुव भाई के पापा भी बोले थे कि नहीं जाओ, तो फिर भी चले आए हैं, ध्रुव भाई के पापा भी बोले थे कि तुम जा रहे हो दोस्तों के साथ, यार सच में वही हुआ कि हम लोग दोस्तों के साथ ही गए हैं, हम लोग भी वही पापा बोले तुम पक्का पढ़ने नहीं जा रहे हो, जब भी ब्लॉग देखा जाएगा ना तुम्हारे घर पे लगा, हम दिखाएंगे ही नहीं घर पे ब्लॉग ब्लॉग। तो अभी शिवम भाई आते हैं, तो आओ साहिल भाई। सो गाइस अभी शिवम भाई नीचे जा रहे हैं, हम भी साथ में जाते हैं, आइए कौन ना भाई, आइए टाइट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, 3 2 1 गो। बॉडी बॉडी बिल्डर देख रहा है, दो बॉडी बिल्डर बॉडी दिखा रहा है अपना। अच्छा से साहिल आ जा, देख रहे कंपटीशन होने वाला है, और आप देख सकते हैं सारे उम्मीदवार एक लाइन में खड़े हैं, सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े हैं, रेडी 1 2 3 सारे उम्मीदवार, अनुराग भाई जीतते हुए, सेकंड माही करते हुए, थर्ड शिवम, ध्रुव भाई सबसे लास्ट, ये देखिए कमेंट्री चल रहा है, चलो चलो चलो, अनुराग भाई जीत गए, अनुराग भाई जीतते हुए। ओ करिए फेंकिए उसको, फेंकिए हो अनुराग भाई, ओ फेंकिए ना, व्लॉग ले रहे हैं सब, फेंक रहे पानी में, चकवाने के लिए रेडी है, बोलिए हम आइए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग प्यार कर रहे हैं पानी में भी, भाईचारा ऐसा है कि बहुत उठा खा नहीं देगा वैसे, ये चूतिया रो कह रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, क्या बोलते हैं रोहित भाई को, मेरा दीदू को फोटो खींचवा लेते हैं हम, कब मिलते हैं आपसे, खुशी भाई भाई गजब बना हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, शॉट ला, 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 श
शिवम भाई हम लोग का हो गया है, हम लोग ने काफी मजे मजे किए, आपने देखे ही। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और नहीं अभी जा रहे हैं कॉलेज, एंड कॉलेज से हेलमेट लेंगे, देन अमन को भी वहाँ छोड़ना है। तो अभी शायद पानी वजह से मेरा चेहरा अच्छे से नहीं आ रहा हो, तो अभी जाते हैं कॉलेज, वहाँ पे हेलमेट लेंगे, तब निकलेंगे घर फटाफट। तो गाइस हम लोग शाम में घूम फिर के आ गए थे अपना स्विमिंग पूल से, तो उसका राकेश हम सो हो गया था। तो आपको मैं किसी आदमी से मिलवाता हूँ, पुराने यादें ताज़े करवाता हूँ अपने। तो ये गाइस आप मिल सकते हैं आशीष भाई से। तो ए स्क्वायर ब्लॉग्स कभी था जो टूटा, पर रिश्ता नहीं टूटा अपना। तो अभी आशीष भाई के साथ हम जा रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, चाय सुट्टा बार घूमने। तो फटाफट वहाँ जाके मतलब चाय वाय पियेंगे, जा रहे हैं वहाँ घूमने, तो चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आशीष भाई बजा रहे हैं, तो बजाना आता है, घंटा आता है। तो ये रहा चाय सुट्टा बार, ये आदित्य भाई भी यहाँ पे हमको मिल गए। तो ये बजा रहा है, बजाना तो आता नहीं होगा जो बजा रहे हैं फिलहाल, तो तोड़ का देना पड़ेगा तार वार। कितने का आता भी होगा पता नहीं, पाँच कितने का आता आदित्य भाई, ये गिटार 8,000-9,000 का गिटार है, साथ तोड़ देगा। ए नोंडा चल ना ध्रुव भाई से मिलने, ध्रुव भाई से मिलने। अभी हम और अश भाई आ गए मंजिल के, अब जा रहे हैं खाने, बर्गर आ रहा है, बर्गर खाएंगे। और यहाँ देना अभी शक्तिनाथ मंदिर के सामने भगवान जी है, आप भी दर्शन कर लीजिए, हम भी दर्शन कर लेते हैं, अभी फटाफट खाएंगे क्योंकि लेट हो गया, 9 बजने वाला है, हम लोग को घर से गाली पड़ रहा है, फटाफट खाते हुए निकलते हैं। जस्ट अभी मैं घर आया एंड काफ़ी ज़्यादा आज मजे किए एंड काफ़ी ज़्यादा थक वक गया हमें। सो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको मिलते हैं एंड मस्ती वाले ब्लॉग में।